देश में अगस्त के बाद अब सितंबर में भी जमकर बादल बरसेंगे। सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। लेकिन इस दौरान बिहार में मानसून में बदलाव होने वाला है। मानसून के चौथे और आखिरी महीने में भी बिहार में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सोनी कुमारी के अनुसार आज भी बिहार में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वैज्ञानिक सोनी कुमार की माने तो मॉनसून की ट्रफ लाइन अपने सामान्य जगह से दक्षिण की तरफ खिसक गई है। इसी कारण मध्य भारत में बारिश हो रही है। पश्चिमी हवा के मजबूत होने और बंगाल की खाड़ी में बन रही सिस्टम से मॉनसून मध्य भारत के ऊपर से गुजरेगा। इसी वजह से बिहार में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। पिछले 3 महीनों में बिहार में इतनी बारिश नहीं हुई है जिससे किसान खेती कर सके। बारिश में कमी किसानों के लिए भी परेशानी की वजह बन रही है। मॉनसून की ट्रफ लाइन गंगानगर, दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसका असर बिहार पर पड़ने की कोई संभावना नहीं है। यही वजह है कि आज यानी 2 सितंबर को उत्तर बिहार में बारिश जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिण भारत में बूंदाबांदी का ही आसार है। आज यानी 2 सितंबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मेधपुरा, पूर्णिया और कटिहार के कई स्थानों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिले के 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण बिहार के सभी जिलों के 1 या 2 जगहों पर ही कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी होने का आसार है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।